पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शुक्रवार को भड़की हिंसा लगातार दूसरे दिन भी हिंसा जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल हैं और वे दंगे कराना चाहते हैं, बीजेपी का गुनाह लोग क्यों भुगतें। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा, हावड़ा में पिछले दो दिनों से हिंसक घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं और वे दंगे कराना चाहते हैं, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का गुनाह क्या भुगतेंगे लोग। बता दें कि हावड़ा जिले में हिंसा के बाद से सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा प्रशासन ने पूरे जिले में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक हावड़ा के उलुबेरिया, पंचला और जगत बल्लभपुर क्षेत्रों में तथा इसके अलावा इन क्षेत्रों के रेलवे स्टेशनों और राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, सभा करने अथवा कोई खतरनाक हथियार रखने या ऐसा कोई भी कार्य करना प्रतिबंधित है, जिसे सार्वजनिक शांति भंग हो, ये प्रतिबंध 10 से 15 जून तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि हिंसा, विरोध प्रदर्शन या सड़कों को रोकने या सामान्य जनजीवन में बाधा डालने की किसी भी घटना से बहुत ही सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा, हम किसी को भी जिले में अशांति पैदा करने की अनुमति नहीं देंगे। हम स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और जिले में शांति सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर वाहनों की आवाजाही तथा ट्रेन सेवाएँ सामान्य हैं, जबकि बाजार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं। उन्होंने कहा, हम सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की ओर से पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई कथित विवादास्पद टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को नमाज के बाद बंगाल के हावड़ा समेत देश के कई इलाकों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।